अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मजे में होंगे। और आज है रैयान का बर्थडे, तो हम सभी अभी करते हैं तैयारी रैयान के बर्थडे की। कहना है कि थोड़ी सी डेकोरेशन करने, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत करना है। तो उसके लिए देखिए ये सब रखा हुआ है, ये गिर गया, ये सारा सामान रखा हुआ है। ये सब इसको ना अभी फुलाना है, जो कि मैं नहीं करूँगी, ये करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब, मेरे ये दर्द करने लग जाते हैं। और अभी क्या है, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। पहले मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी सब कुछ। तो बस पहले खाना खा लिया और अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ करने वाले हैं। तो पहले ये फुलाते हैं, चलें निकालो यार, इसको फुलाओ। इसमें वो है पाइप इसका। ये सही है, आपने फुला भी दिया, मुझसे तो फूलता भी नहीं। और थोड़ा और थोड़ा, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये ठीक है, ये आज ये सारे फूल रखे मम्मा। ये लो, अब खिला तो दे, ये सबके साथ ऐसे ही कर रहा है, सबके साथ यही कर रहा है। तो केक कटने के बाद सब कहाँ कहाँ लेके बैठे अपना अपना केक। ये देखो कसम से, हाँ बस भाई को ही नहीं, भाई नहीं खा रहा, इनको ही नहीं मिला। देखो भाभी ने छोड़ दिया, कह रहे वीडियो बना रही है, मैं नहीं खा रही। अम्मी भी तो नहीं खा रही, तो देखो मैं भी नहीं खा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर अभी खाएंगे, देखो अभी तो बहुत सारा है। देखिए फ्रेंड्स, आज पूरे दिन के बाद रैयान ने अब जाकर खाना खाया है, है रैयान? अब जाकर पॉटी की है ना। ये कहो कि अब मेरा केक कट गया तो अब मुझे अच्छा लगा, तो अब मुझे भूख लगी, है ना? मेरी हालत देखिए कैसी है फ्रेंड्स। मैंने अपना सिर्फ मतलब हल्का सा टचअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, और बालों में तो सिर्फ ऐसे ही उठाए बाल और जूड़ा लगा लिया। मैंने कहा बस हो गया, नहा धो के कपड़े पहन लिए, लेकिन बाकी का कुछ भी नहीं गया, कुछ भी, यही होता है पेरेंट्स का काम। झाड़ू लगा रही है। हाँ अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ना सारे घर में बस यही हो गया है, सारे में चमकी चमकी जो है ना वो हो गई है, तो वही सब साफ कर रही हूँ। और सिर्फ बर्थडे का बर्थडे ही रह गया, बाकी सब चला गया।
तो चले अभी जल्दी से पहले झाड़ू लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा बर्थडे बॉय, ये है बर्थडे बॉय। नहीं तो बर्थडे बॉय अच्छा लगा सीना भाग रे आया जो ये सुल्तान पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा मुझे चलो ये बताओ आपको केक अच्छा लगा? हाँ। है ना, मम्मा ने पसंद करके बनवाया है। मम्मा अच्छा लगता। मैंने कहा इसको गाड़ियों का शौक है, चलो इसको गाड़ियों का ही बना देते हैं गाड़ी। मम्मा ने गाड़ियों में मेरा हाथ तो छोड़ो, हाथ तो छोड़ो, झाड़ू दिखे गिर गई। तो खैर चले बर्थडे बॉय तो खुश हो गए, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा मेहनत। चलो अब मैं जल्दी से सफाई भी करती हूँ। ये देखो ला मुझे दो, मुझे दो, तुम बढ़ा देखो तुम, ये हल्के हैं उड़ के और ज्यादा हो रहे हैं। तो चलो बस जल्दी से ये सफाई करते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। आज खाने में मैंने पता क्या, मैंने बनाया कोरमा, बिरयानी और साथ में नान सलाद। मीठे में कुछ नहीं बनाया, मीठे में हमारे भाई लोग खुद ही लेकर आ गए थे मिठाई, तो बस वही हम लोगों ने मीठे में खा लिया। और केक था, केक तो खैर हम लोगों ने पहले खा लिया, खाने पहले नहीं, खाने के बाद, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने केक खा लिया। खाना खा लिया उसके बाद केक आराम से कटिंग किया। हाँ बेटी हाँ, ये चमचम ये अपने आप से झड़की गिर रही है। मैंने कहा तो थोड़ी बहुत देर तो नहीं, मत निकालो अभी। अब साफ़ सफाई के बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। एक्चुअली ये हम लोगों ने डिनर किया था दोपहर में, लंच कर लिया था। वैसे हम लोगों ये सोचा था कि लंच टाइम में ही हम केक कटिंग करेंगे, पर क्या था कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे खाना पकाने में, फिर वो सब में, फिर भाभी आई उन्होंने भी हेल्प किया, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मतलब कहते हैं ना मेहनत बहुत हो जाती है घर में, आप बनाए सारा कुछ तो फिर सारी चीज़ करें, डेकोरेशन भी मुझे ही करनी, सब कुछ मुझे ही करनी, तो फिर बहुत टाइम लग गया था। तो अब हम लोगों ने ये डिनर किया था, डिनर के बाद फिर हम लोगों ने फिर से स्वीट्स खोली। और ये पता डब्बे की पैकिंग इतनी प्यारी हो रखी थी, फिर ना दिल ही नहीं कर रहा था इनकी पैकिंग को खोलो। बस अगर आपको स्वीट्स खाने हैं तो बिना ओपन किए घर के खा लो, ऐसे दिल कर रहा था। लेकिन पैकिंग देखकर अच्छा लगता, पर मैंने ऐसे कहाँ हो सकता है यार, हमको ये जिन थोड़ी है जादू की छड़ी जो घुमाएंगे स्वीट्स बाहर आ जाएंगे, पैकिंग ऐसे ही रहेगी। भाई भाभी को लेट हो रहा था तो वो लोग अभी चले गए हैं, और मैं अभी किचन में आई तो मैंने किचन में सारा कुछ जो है सामान सेट किया, और बर्तन देखे कितने सारे हो गए हैं। तो अभी ये बर्तन भी धोने हैं, अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, अभी धोंगी या फिर सुबह धोंगी अभी नहीं पता, लेकिन अगर धो सकती हूँ तो धोंगी, वरना फिर मैं सुबह धोंगी इसको। और ये देखिए आज ही आज में मुझे पिंपल भी आ गया, खैर ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी अम्मी हैं और मेरी भतीजी भी है, तो अभी वो लोग हैं तो थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, गप सप करते हैं, टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। अब बच्चों को आने लगी है नींद। हमजा रैयान चेंज करो, पहले चेंज करो हमजा, चेंज करो बेटा, फिर उसके बाद सो। बस बहुत हो गई मस्ती, चलो उठो उठो उठो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, हाथ हटाओ, हाँ यही देखो जाग रहे, जल्दी पहले चेंज करो, ठीक है, टी शर्ट भी चेंज करो, रैयान तुम भी चेंज करो, फिर सो। क्यों ये मतलब ये नए नए कपड़े पहन के सोओगे? लेजी वाला रैयान बन गया, जल्दी उठो जल्दी से। अब गाइस मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मैंने बस चेंज वेंज कर दिया, मैं सोने जा रही थी तो मैंने कहा जल्दी से एंड कर देती हूँ, वरना फिर सुबह एंड करूँगी, फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी तो फिर उसमें ना ब्लॉग भी रह जाता है और एंड भी नहीं हो पाता है। तो जल्दी से मैंने कहा अब भी एंड करती हूँ, फिर उसके बाद सोते हैं। तो फर्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ सौफ्ता सिस्टर का, माशाल्लाह ज़बरदस्त शेयरिंग सिस्टर, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सिस्टर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी सारे बर्थडे के लिए रैयान को विश किया है काफ़ी सारे लोगों ने, तो उसके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और दुआएं देने के लिए मेरे बच्चे को। इसी तरह से हम सभी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और भी काफ़ी से लोग हैं तो मैं सोच रही हूँ अब सभी ने बर्थडे विश किया है तो मैं सभी को एक तरफ से थैंक यू बोल देती हूँ, थैंक यू एक साथ में। और क्या कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी के नाम के साथ लूँगी, अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं ना कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ज़्यादा देर नहीं सो, मतलब इस चीज़ को मैं इतनी देर तक, मैंने तो बस एक साथ में आप सबको थैंक यू बोल देती हूँ बस। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, फुल वॉच किया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, और हमें हमारे फैमिली को हमारे बच्चों को हम सभी को अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब